Hello students, my name is Mohit Bansal. Welcome to Mohit Bansal classes. Students, आज हम start करने वाले हैं CMA final का paper number 13, corporate laws and compliances. उसका एक बहुत ही important chapter जिसका नाम है directors. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैनेजरियल पर्सनल, मतलब कंपनी के वो लोग जो कंपनी को डायरेक्शन देते हैं और कंपनी को एक्चुअली में चलाते हैं. आज हम ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. बच्चों मैं आपको बता दूं कि आपके मॉड्यूल के अंदर जो आपका ICMA के थ्रू प्रोवाइडेड मॉड्यूल है उसके अंदर इस चैप्टर का नाम लिखा हुआ है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैनेजरियल पर्सनल. इस नाम से ये चैप्टर है आपके मॉड्यूल में, पहली बात. दूसरी बात बच्चों, ये आपके मॉड्यूल में स्टडी नोट 1 का पार्ट ई है. मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आपका जो कोर्स है वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, सेक्शन ए बी एंड सी. तो सेक्शन ए का जो स्टडी नोट 1 है वो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है. हम स्टडी नोट 1 का पार्ट ई पढ़ रहे हैं बच्चों, उसका नाम है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैनेजरियल पर्सनल. तो अब हम इस चैप्टर डायरेक्टर चैप्टर को स्टार्ट करेंगे. चलिए बच्चों, डायरेक्टली इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक बातें आपको बता देना चाहता हूं. जैसे ही वो बेसिक बातें हमको समझ में आ जाएंगी, हमें इस चैप्टर को पढ़ना थोड़ा इजी हो जाएगा, हमारे माइंड में क्लैरिटी आ जाएगी. बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि आखिर डायरेक्टर होता कौन है. सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि आखिर डायरेक्टर होता कौन है. तो बच्चों मैं आपको बता दूं, एक बात बताइए पहले, डायरेक्टर कौन होता है. इससे पहले मैं आपसे पूछूं कि प्राइम मिनिस्टर कौन होता है. आप क्या बोलोगे बच्चों, प्राइम मिनिस्टर कौन होता है? आप ये मत बोलिएगा कि श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर है. वो है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है. बट आप ये थोड़ी बोल सकते हो कि नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर की डेफिनेशन है. प्राइम मिनिस्टर वो होता है जो उस प्राइम मिनिस्टर की चेयर पे बैठा होता है. किसी वक्त जवाहरलाल नेहरू जी बैठे थे तो वो प्राइम मिनिस्टर थे, किसी वक्त लाल बहादुर शास्त्री जी बैठे थे तो वो प्राइम मिनिस्टर थे, इंदिरा गांधी जी बैठी थी वो प्राइम मिनिस्टर थी, राजीव गांधी जी बैठे थे वो प्राइम मिनिस्टर थे, नरसिम्हा राव जी बैठे थे वो प्राइम मिनिस्टर थे. समझ रहे हैं बच्चों, अटल बिहारी जी बैठे थे, वाजपेयी जी वो प्राइम मिनिस्टर थे, अभी नरेंद्र मोदी जी हैं, पहले मनमोहन सिंह जी थे. तो प्राइम मिनिस्टर कोई फिक्स थोड़ी है कि हमेशा भारत का या किसी देश का प्राइम मिनिस्टर यही बनेगा. नहीं, ये तो एक पोस्ट है जिस उस प्राइम मिनिस्टर की चेयर के ऊपर जो बैठ जाएगा वो हमारे लिए प्राइम मिनिस्टर माना जाएगा. सही बात है यहां तक की. इसी तरह से बच्चों, कंपनी के अंदर डायरेक्टर कौन होता है? जो कंपनी के डायरेक्टर की पोजीशन पे बैठा होता है उसे डायरेक्टर बोलते हैं. डायरेक्टर की और कोई डेफिनेशन नहीं होती है. एक्चुअल डायरेक्टर की डेफिनेशन इतनी ही होती है कि कोई भी पर्सन जो उस वक्त डायरेक्टर की चेयर पे बैठा है वो डायरेक्टर. मैं एक एग्जांपल देता हूं बच्चों, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, आप इससे बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे. सपोज कीजिएगा बच्चों कि आप मोहित बंसल क्लासेस के अंदर एंटर हुए. आप बच्चों मोहित बंसल क्लासेस के अंदर एंटर हुए, ओके. यहां पर ये मेन ऑफिस है बच्चों. आप जब मेन ऑफिस में एंटर हुए तो एक चेयर रखी हुई है, मेन चेयर, उस पर मैं बैठा हुआ था मोहित बंसल. आपकी नजर में डायरेक्टर कौन? मैं हो गया. अच्छा सपोज कीजिए मैं नहीं बैठा हुआ था उस दिन, सपोज कीजिएगा उस दिन कोई मैडम बैठी हुई थी, तो आपकी नजर में डायरेक्टर कौन हो गया? वो मैडम हो गई. सपोज कीजिए मैडम नहीं थी, सपोज कीजिए कोई और बैठा हुआ था, कोई भी बैठा हुआ था, है ना, मेरा जानकार हो सकते हैं, कोई भी बैठा हुआ था, मेरे घर में मेरे ब्रदर के बच्चे हैं वो हो सकते हैं, वो बैठे हुए थे, तो आपकी नजर में डायरेक्टर कौन?
आपकी नजर में डायरेक्टर वो बन जाएगा जो उस कुर्सी पर बैठा था। तो डायरेक्टर होता ही वही है जो उस वक्त उस कुर्सी को उस चेयर को ऑक्यूपाई करके रहता है। फिर आप उसे किसी भी नाम से बुला लो, फिर आप उसे होल टाइम डायरेक्टर बोल लो, फिर आप उसे मैनेजिंग डायरेक्टर बोल दो, या आप एडिशनल डायरेक्टर बोल दो, या आप अल्टरनेट डायरेक्टर बोल दो, या आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोल दो, या आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बोल दो, या आप नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बोल दो, नॉमिनी डायरेक्टर बोल दो, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बोल दो, कुछ भी बोल दो। डायरेक्टर वो है जो उस वक्त उस चेयर पे बैठा है, उसे डायरेक्टर बोला जाता है। यहां तक की बात समझ में आई बच्चों? चलिए आगे चलते। तो देखिए मैंने लिखा हुआ है डायरेक्टर वो पर्सन है जो डायरेक्टर की पोजीशन को होल्ड कर रहा है उस वक्त। क्लियर? अब आप देखिएगा, आपको पता है बच्चों सिर्फ इंडियन कंपनीज एक्ट, ओनली इंडियन कंपनीज एक्ट के अंदर ये रिक्वायरमेंट लिखी हुई है कि इंडिया की कंपनीज के अंदर कोई भी पर्सन डायरेक्टर अगर बनेगा तो वो नेचुरल पर्सन होना चाहिए। मतलब आप और मैं बोलने चलने फिरने वाले सोचने समझने वाले लोग कंपनी में डायरेक्टर बन सकते हैं, एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी की डायरेक्टर नहीं बन सकती। इंडिया की कंपनीज के अंदर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर एक नेचुरल पर्सन ही बन सकता है, कभी भी कोई आर्टिफिशियल पर्सन किसी कंपनी की डायरेक्टर नहीं बन सकती। बाकी और देश के और कंट्रीज के कंपनीज एक्ट में ऐसा नहीं लिखा है बच्चों, हालांकि सिंगापुर के में लिखा है, लेकिन सिंगापुर और इंडिया के अलावा, क्योंकि उन दोनों के कंपनीज एक्ट में बहुत समानता है, सिमिलरिटीज है। हम इंडियन कंपनीज एक्ट की बात करें तो हमारे इंडियन कंपनीज एक्ट के हिसाब से इंडिया की कंपनी में अगर कोई भी पर्सन डायरेक्टर बनेगा वो नेचुरल पर्सन होना चाहिए। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हम क्यों अपॉइंट करते हैं डायरेक्टर्स कंपनी में। देखिए कंपनी, हमने पढ़ा कि कंपनी अपने नाम से सब काम कर सकती है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी की खुद की एग्जिस्टेंस होती है, वो अपने नाम से सब काम कर सकती है, उसके नाम से बैंक अकाउंट तक होता है। फिर ऐसा क्यों बच्चों कि इंडियन कंपनीज में डायरेक्टर एक नेचुरल पर्सन ही होगा? ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी की एग्जिस्टेंस तो है, कंपनी जिंदा तो है, कंपनी अपने नाम से सब काम कर सकती है, लेकिन बच्चों कंपनी सोच नहीं सकती, कंपनी सोच और समझ नहीं सकती, कंपनी बोल नहीं सकती, लिटरली नहीं बोल सकती। आप बोलोगे कि सर डॉक्यूमेंट्स के थ्रू बोल देती है, वो नहीं, कंपनी सोच नहीं सकती, कंपनी समझ नहीं सकती, कंपनी बोल नहीं सकती, और कंपनी हमें डायरेक्शन नहीं दे सकती कि ऐसे ऐसे काम करो ताकि कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट अचीव हो जाए। इसलिए हमें एक ऐसा नेचुरल पर्सन चाहिए जो सोच सकता हो, समझ सकता हो, बोल सकता हो और डायरेक्शन दे सकता हो और कंपनी के ऑब्जेक्ट्स को अचीव करवा सकता हो। इसीलिए इंडियन कंपनीज एक्ट बोलता है कि इंडिया की कंपनीज के अंदर अगर कोई भी पर्सन डायरेक्टर बनेगा तो वो नेचुरल पर्सन होना जरूरी है। तो अभी तक बच्चों मैंने आपको दो बातें बताई, बार बार रिवाइज करेंगे हम इस चैप्टर को बच्चों, ताकि आपके जितने भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होते हुए चले जाए। आज की क्लास में हम डायरेक्टर का कुछ पार्ट पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम आज जितना पार्ट पढ़ा है उसके रिलेटेड जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए वो सब सॉल्व करेंगे। ऐसे ही पढ़ते हैं अपन, आपको पता है कि हम टॉपिक पढ़ते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हाथ के हाथ सॉल्व कर लेते हैं, वही हम आज करने वाले। आज हम कुछ टॉपिक्स पढ़ लेंगे और हमारी नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें उन टॉपिक से रिलेटेड जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो सभी सॉल्व करें। अभी तक मैंने आपको पढ़ाया डायरेक्टर कौन होता है, डायरेक्टर वो है जो उस वक्त डायरेक्टर की पोजीशन को होल्ड करके बैठा है, चाहे आप उसे किसी भी नाम से बुला लो, और इंडिया की कंपनीज के अंदर सिर्फ एक नेचुरल पर्सन ही डायरेक्टर हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, वो बोल नहीं सकती, सोच नहीं सकती, समझ नहीं सकती, डायरेक्शन नहीं दे सकती कि कैसे उसके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जाए। इसलिए कंपनी हमें एक नेचुरल पर्सन की जरूरत है जो सोच समझ के कंपनी को उसके डायरेक्शंस दे और उसके मेन ऑब्जेक्ट को अचीव करवा दे।
स्टूडेंट बोलता है चलिए ठीक है सर, यहां तक आपने जो बात बताई वो मुझे समझ में आ गई, पर मेरा एक डाउट है सर। मैंने बोला आपका क्या डाउट है बताइए। बोले सर मेरा एक ये डाउट है कि आपने हमें बताया था एक होती है, एक मिनट सर, आपने मुझे बताया था कि एक होती है प्राइवेट कंपनी, हाँ जी मैंने बताया था, एक होती है सर पब्लिक कंपनी, हाँ जी बिल्कुल, और सर एक होती है वन पर्सन कंपनी, हाँ जी बिल्कुल। सर आप मुझे ये बताइए कि किस कंपनी में कितने मिनिमम डायरेक्टर्स होने ही चाहिए हर हालत में। अरे ये बात तो मैंने आपको स्टडी नोट वन का पार्ट ए पढ़ा रहा था तब भी बताई थी, प्राइवेट कंपनी के अंदर कम से कम दो डायरेक्टर्स होना जरूरी है, पब्लिक कंपनी के अंदर कम से कम तीन डायरेक्टर्स का होना जरूरी है, और वन पर्सन कंपनी के अंदर कम से कम एक डायरेक्टर का होना जरूरी है। स्टूडेंट बोलता है सर मैं समझ गया, यहां से हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। बोला सर मैं समझ गया हूं कि मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होंगे, पब्लिक कंपनी में कम से कम तीन डायरेक्टर होंगे ही होंगे, प्राइवेट में कम से कम दो, और वन पर्सन कंपनी में कम से कम एक डायरेक्टर होगा ही होगा हर हालत में। मैं समझ चुका हूं सर यहां तक, आगे चलते सर। आपने मुझे मिनिमम डायरेक्टर्स के बारे में बता दिया, सर आप ये बता सकते हैं कि मैक्सिमम डायरेक्टर एक कंपनी में कितने हो सकते हैं। बच्चों चाहे से कंपनी प्राइवेट है चाहे से कंपनी पब्लिक है, कोई सी भी कंपनी है, एक वक्त पर मैक्सिमम डायरेक्टर्स 15 हो सकते हैं, 15 से ज्यादा किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं हो सकते एक टाइम पर। स्टूडेंट बोलता है सर मुझे दो बातें समझ में आई हैं आपकी टोटल अभी तक, पब्लिक कंपनी में कम से कम तीन डायरेक्टर, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम टू, एंड वन पर्सन कंपनी में मिनिमम वन, समझ गया। उसके अलावा सर मैं ये भी समझ गया कि एक वक्त पर मैक्सिमम डायरेक्टर्स कोई सी भी कंपनी है सर, मैक्सिमम डायरेक्टर्स एक टाइम पर 15 हो सकते हैं। पर सर एक छोटा सा डाउट है। मैंने कहा बोलिए सर क्या डाउट है। बोला सर सपोज कीजिए कोई कंपनी है रिलायंस कंपनी है सर। अब सर रिलायंस कंपनी तो बहुत बड़ी कंपनी है सर, उसके अंदर तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत काम है, बहुत प्रोडक्ट्स बेचती है, मल्टीनेशनल कंपनी है सर, मल्टी प्रोडक्ट कंपनी है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल बहुत सारे प्रोडक्ट बेचती है, बहुत बड़ी कंपनी। बोला सर 15 डायरेक्टर्स के बस की बात नहीं है इस कंपनी को चला लेना सर, ये कंपनी तो एक वक्त पे 15 से ज्यादा डायरेक्टर रखना चाहती है अपने अंदर। आपने बोला कि एक वक्त पर मैक्सिमम 15 डायरेक्टर रह सकते हैं, पर सर ये कंपनी तो बहुत बड़ी है सर, सिर्फ 15 डायरेक्टर इसका काम नहीं चला पाएंगे सरकार, हमें तो इससे ज्यादा डायरेक्टर चाहिए इसके अंदर। हाँ तो फिर 15 से ज्यादा डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं अगर इस कंपनी के मेंबर्स जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास करते हैं। स्पेशल रिजोल्यूशन तो पढ़ा हुआ है 75% अप्रूवल दे दें, तो फिर उस केस में इस कंपनी के अंदर एक टाइम पे 15 से ज्यादा डायरेक्टर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट बोलता है सर मुझे जो आपकी बात समझ में आई है ना वो मैं बता देता हूं आपको। मैंने कहा बता। बोला सर आप नॉर्मल सेंस में ये बोल रहे हो कि मैक्सिमम जो डायरेक्टर्स हैं वो 15 हो सकते हैं, लेकिन फिर सर आप ये तो नॉर्मल सेंस में आपने बोला मैक्सिमम डायरेक्टर 15 हो सकते हैं, लेकिन सर फिर इसके बाद में आप ये बोल रहे हो कि अगर कंपनी के शेयर होल्डर्स जनरल मीटिंग के अंदर स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर दें तो एक वक्त पर डायरेक्टर 15 से ज्यादा भी हो सकते हैं। हाँ जी मैं बिल्कुल यही बोल रहा हूं, बिल्कुल हो सकते हैं, ये यहां पर लिखा भी हुआ है। एक कंपनी मैक्सिमम 15 नंबर ऑफ डायरेक्टर्स रख सकती है, लेकिन कंपनी चाहे तो 15 से ज्यादा भी रख सकती है अगर वो जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवा दे। स्टूडेंट बोला सर एक डाउट दोबारा आया मेरे मन में,
आपने बोला कि अगर जनरल मीटिंग में मेंबर्स ने स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर दिया तो 15 से ज्यादा डायरेक्टर हो सकते हैं। सर क्या पब्लिक कंपनी में ऐसा हो सकता है कि 15 से ज्यादा डायरेक्टर हो जाए एक वक्त पे? हो सकता है। सर क्या प्राइवेट कंपनी में ऐसा हो सकता है? हो सकता है। सर क्या सेक्शन 8 एनपीओ में ऐसा हो सकता है? नहीं, उसमें तो कोई भी केस हो जाए 15 से ज्यादा हो ही नहीं सकते डायरेक्टर। सर क्या गवर्नमेंट कंपनी में ऐसा हो सकता है? नहीं। तो सर आप ये बोल रहे हो कि पब्लिक और प्राइवेट के अंदर एक वक्त पे 15 से ज्यादा डायरेक्टर हो सकते हैं अगर जनरल मीटिंग में मेंबर्स स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर देते हैं तो। लेकिन सेक्शन 8 कंपनी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी या फिर गवर्नमेंट कंपनी, इन दोनों के अंदर तो किसी भी हालत में 15 से ज्यादा हो ही नहीं सकते, चाहे कुछ ही हो जाए इस दुनिया में, हो ही नहीं सकते। ठीक है सर, मैं समझ गया हूं यहां तक और मुझे ये बात समझ में आ चुकी। तो अभी एक बार जितना पढ़ा उसको हम दोबारा से देखते हैं। अभी बच्चों सिर्फ हमने इतना सा पढ़ा है कि मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होंगे, कम से कम कितने डायरेक्टर होने चाहिए, कम से कम पब्लिक कंपनी में कम से कम 3, प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 और 1% कंपनी में कम से कम 1। उसके बाद में नेक्स्ट बात आती है कि सर एक वक्त पे मैक्सिमम डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं? एक वक्त पर मैक्सिमम डायरेक्टर्स एक कंपनी में 15 हो सकते हैं, 15 से ज्यादा नहीं हो सकते। सर क्या ऐसी कोई सिचुएशन है जिसमें 15 से ज्यादा हो जाए डायरेक्टर एक ही टाइम पर? हाँ हो सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ पब्लिक और प्राइवेट के लिए है। सेक्शन 8 या एनपीओ, सेक्शन 8 कंपनी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट कंपनी में तो किसी भी हालत में 15 से ज्यादा डायरेक्टर नहीं हो सकते। सर पब्लिक और प्राइवेट में जो 15 से ज्यादा डायरेक्टर हो सकते हैं एक वक्त पे, वो कौन सी सिचुएशन है? अगर जनरल मीटिंग में मेंबर्स स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर देते हैं, अगर खुद जनरल मीटिंग में मेंबर्स बोल रहे हैं कि इस कंपनी के अंदर 15 से ज्यादा डायरेक्टर हो जाने दो, हम समझ रहे हैं कि कंपनी का बिजनेस बड़ा है तो हो जाने दो 15 से ज्यादा डायरेक्टर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं, तो हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लॉ मना नहीं करता। लेकिन सिर्फ पब्लिक प्राइवेट के लिए, सेक्शन 8 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट कंपनी में तो ऐसा हो ही नहीं सकता, कतई नहीं हो सकता जी। स्टूडेंट बोलता है सर मुझे बिल्कुल आपकी बात समझ में आ रही है अभी तक। अच्छा सर एक बात बताओ, एक छोटा सा डाउट और है मेरे मन के अंदर। मैंने कहा बताइए। बोला सर आजकल मैंने ये देखा है कि कोई भी कंपनी होती है ना सर, वो बाहर के लोगों को अपनी कंपनी में डायरेक्टर बनाती है, जिससे पब्लिक को लगता है कि यार इस कंपनी के अंदर तो फॉरेन का पढ़ा लिखा आदमी डायरेक्टर है, ये कंपनी तो बड़ा अच्छा प्रोडक्ट देती होगी, बड़ा अच्छा काम करती होगी। लेकिन सर एक बात बताइए, कंपनी कर रही है इंडिया के मार्केट में काम, आपको नहीं लगता कि कुछ डायरेक्टर्स ऐसे होने चाहिए जो इंडिया से बिलोंग करते हो, चाहे से वो सिटीजन फॉरेन सिटीजन हो लेकिन रहते इंडिया में हो, उन्हें इंडिया के मार्केट की समझ हो? जी बिल्कुल। इसीलिए बड़े ध्यान से सुनना बच्चों, हर इंडियन कंपनी के अंदर, हर इंडियन कंपनी के अंदर कम से कम एक डायरेक्टर इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए। सर इसका मतलब वो प्रीवियस ईयर में कम से कम 182 डेज इंडिया में रहा हो। अब सपोज करो, एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करो कि एक कंपनी है, मान लो टाटा ग्रुप, टाटा कंपनी, इसके अंदर बच्चों 13 डायरेक्टर्स हैं, तो बच्चों इसमें से 12 डायरेक्टर भले ही फॉरेन में रहते हैं और वहां से कंपनी को ऑपरेट कर रहे हैं, पर कम से कम एक डायरेक्टर ऐसा होना चाहिए जो इंडिया में 182 डेज रहता हो पूरे साल में, प्रीवियस ईयर में 182 डेज रहा हो, तो हम उसे आज रेजिडेंट डायरेक्टर मानते हैं। और रहना जरूरी है, कम से कम एक बंदा तो ऐसा रहे जो इंडिया के मार्केट को करीब से जानता हो, देखता हो। सर ये जो इंडियन रेजिडेंट होगा जो प्रीवियस ईयर में 182 डेज इंडिया में रहा है,
क्या ये इंडियन सिटीजन होगा? सिटीजन की नहीं बोल रहा हूं मैं, देखिए सिटीजन और रेजिडेंट में बहुत फर्क होता है। सिटीजन का मतलब होता है उसे इंडिया की नागरिकता मिली है, हम बोल ही नहीं रहे कि उसे इंडिया की नागरिकता ली थी, नहीं, हम ये बोल रहे हैं कि बस वो इंडिया के अंदर प्रीवियस ईयर में कम से कम 182 डेज इंडिया में रहा हो, जिससे उसे इंडिया के मार्केट की नॉलेज, चाहे से भले ही वो सिटीजन किसी दूसरी कंट्री का हो, रहा कम से कम 182 डेज इंडिया में, कम से कम एक डायरेक्टर ऐसा होना चाहिए। स्टूडेंट बोलता है कि सर मुझे समझ में आ गई आपकी ये पूरी बात, तो सर अभी तक जो समझ में आया मैं रिवाइज कर देता हूं आपको पूरा। मैंने कहा कर दो। बोला सर अभी तक मेरे को ये समझ में आई है आपकी बात कि इंडिया के अंदर प्राइवेट कंपनी में कम से कम दो डायरेक्टर, पब्लिक में कम से कम तीन, और 1% कंपनी में कम से कम एक डायरेक्टर है। फिर उसके बाद ये समझ में आई कि सर मैक्सिमम डायरेक्टर्स एक वक्त पे 15 हो सकते, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, लेकिन अगर जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो जाए तो 15 से ज्यादा डायरेक्टर भी हो सकते हैं। लेकिन सेक्शन 8 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट कंपनी में नहीं, पब्लिक और प्राइवेट में 15 से ज्यादा हो सकते हैं। सेक्शन 8 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट कंपनी में तो 15 ही हो सकते, मैक्सिमम इससे ज्यादा नहीं किसी भी हालत। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि इंडियन कंपनी, हर इंडियन, एवरी इंडियन कंपनी के अंदर टोटल जितने डायरेक्टर्स हैं उसका कम से कम एक डायरेक्टर इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए, कम से कम एक डायरेक्टर 182 डेज इंडिया में रहा। स्टूडेंट बोलता है मैं समझ गया, बिल्कुल आगे चलते हैं सर, आगे चलते देखिएगा। अब आपसे ये बोला जा रहा है कि इंडियन कंपनी के अंदर कम से कम एक विमेन डायरेक्टर भी होनी चाहिए, मतलब टोटल जितने डायरेक्टर्स हैं कंपनी में उसमें से कम एक विमेन डायरेक्टर भी हो। सर क्या हर कंपनी में, क्या हर कंपनी में जरूरी है कि कम से कम एक विमेन डायरेक्टर हो? हर कंपनी में जरूरी नहीं है। तो सर कौन सी कंपनी में जरूरी है? हर लिस्टेड कंपनी में जरूरी है, हर पब्लिक लिस्टेड कंपनी में। लिस्टेड तो पब्लिक ही हो सकती है, प्राइवेट तो हो नहीं सकती। हर पब्लिक लिस्टेड कंपनी में मैंडेटरी है, कंपल्सरी है, कम से कम एक विमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। स्टूडेंट बोलता है सर मैं समझ गया कि अगर कोई लिस्टेड कंपनी है जो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है तो उसमें टोटल जितने डायरेक्टर्स होंगे सर उसमें से कम एटलीस्ट वन एक विमेन डायरेक्टर होगी। समझ गए सर? आगे चल। सर क्या सिर्फ पब्लिक लिस्टेड कंपनी में ये कंपल्सरी है एक विमेन डायरेक्टर हो, या कोई और भी है? हाँ, अगर कोई पब्लिक कंपनी लिस्टेड है तो उसमें तो जरूरी है। अगर कोई पब्लिक कंपनी लिस्टेड नहीं है लेकिन उसकी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर उसका टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज्यादा है, इन दोनों में से किसी में फॉल हो रही है तो भी उसके अंदर विमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। मतलब अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूं। सपोज कीजिएगा दो कंपनी है, ऊपर बना लेता हूं, एक मिनट रुक। सपोज कीजिएगा दो कंपनी है, एक कंपनी है एयरटेल और एक कंपनी है आइडिया। ये है लिस्टेड कंपनी, तो इसके अंदर एक विमेन डायरेक्टर का होना कंपलसरी है। ये है आइडिया, ये है अनलिस्टेड, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है लेकिन पब्लिक कंपनी है, और इसकी पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है? पेड अप शेयर कैपिटल है 99 करोड़, एंड टर्नओवर है इसका 350 करोड़। एयरटेल तो लिस्टेड है, उसके अंदर तो विमेन डायरेक्टर होनी चाहिए, मैटर खत्म। हम बात कर रहे हैं आइडिया कंपनी जो अनलिस्टेड है, उसकी पेड अप शेयर कैपिटल 99 करोड़ है और टर्नओवर 350 करोड़ है। मुझे बताइए क्या इसके अंदर एक विमेन डायरेक्टर होनी चाहिए? यस। अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी है और उसकी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो फिर उस केस में उसके अंदर विमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। तो यहां पर आइडिया कंपनी अनलिस्टेड है,
भले ही से उसकी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से कम है, पर टर्नओवर तो 300 करोड़ या उससे ज्यादा है ना, और हमने बीच में और लिखा है बच्चों, कोई सी भी एक कंडीशन फुलफिल हो गई, विमेन डायरेक्टर का होना जरूरी है। स्टूडेंट बोलता है सर मुझे यहां तक की बात समझ में आ गई, आप बोल रहे हो कि कंपनी के अंदर मैक्सिमम डायरेक्टर 15 हो सकते हैं एक वक्त पे, उससे ज्यादा नहीं हो सकते, लेकिन हो सकते हैं अगर जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो जाए, लेकिन वो सिर्फ पब्लिक और प्राइवेट के केस में पॉसिबल है, सेक्शन 8 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट कंपनी में ऐसा नहीं हो सकता। सर उसके बाद में आपने बोला रेजिडेंट डायरेक्टर, रेजिडेंट डायरेक्टर का मतलब है कि पिछले साल में कम से कम 182 डेज इंडिया में रहे। कितने दिन इंडिया में रहे हो? कम से कम 182 डेज इंडिया में रहे हो, उन्हें तो कम से कम एक रेजिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। फिर आपने बोला हर इंडियन लिस्टेड कंपनी के अंदर वुमेन डायरेक्टर का होना जरूरी। अगर कोई पब्लिक कंपनी है लेकिन वो लिस्टेड नहीं है, लेकिन अगर उसकी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, या टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज्यादा है, दोनों में से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो उसके अंदर विमेन डायरेक्टर का होना जरूरी होता है। सर मैं समझ गया हूं यहां तक की बात आपकी, बिल्कुल समझ गया। लेकिन सर मुझे बताएं कि एक अमेंडमेंट आया था सर, नया अमेंडमेंट, और वो ये बोलता है कि टॉप 1000 लिस्टेड, मतलब इंडिया के अंदर जितनी टोटल लिस्टेड कंपनीज है, टोटल जितनी लिस्टेड कंपनीज है इंडिया में, उसमें से टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज जो होंगी, जितनी टोटल लिस्टेड कंपनीज है इंडिया में, उसमें से 1000 टॉप लिस्टेड कंपनीज जो होंगी, कितनी टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज जो होंगी, वुमेन डायरेक्टर तो उसमें होगी, लेकिन वो वुमेन डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो मैंने नॉर्मली क्या बोला कि अगर अब इसका कंक्लूजन क्या निकल के आया, बड़े प्यार से समझिएगा बच्चों, बड़े प्यार से आराम से समझ में आए। लिस्टेड कंपनीज इन टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज, इंडिया की 1000 लिस्टेड कंपनीज में आ रही है टॉप 1000, तो उसके अंदर जो विमेन डायरेक्टर होगी वो इंडिपेंडेंट होगी। लेकिन अगर नॉट इन टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज, नॉट इन टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज, तो इसके अंदर जो विमेन डायरेक्टर होगी वो सिंपल विमेन डायरेक्टर होगी, इंडिपेंडेंट नहीं। स्टूडेंट बोला सर मैं समझ गया। सर लेकिन वो आपने जो दूसरा वाला बताया था कि अगर कंपनी लिस्टेड नहीं है और अनलिस्टेड पब्लिक है और उसकी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, हाँ वो तो है, वो तो एप्लीकेबल है। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर दिया है, क्या कि अगर लिस्टेड कंपनी है तो उसमें विमेन डायरेक्टर तो होनी चाहिए, लेकिन अगर वो लिस्टेड कंपनी इंडिया की टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज के अंदर आ रही है तो वो विमेन डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट की एक अलग खास बात होती है सर, उसकी इज्जत अलग है। तो अगर टॉप 1000 लिस्टेड में है तो वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे एक क्वेश्चन बना लेते हैं हम यहाँ पर, एक अपन खुद क्वेश्चन बना लेते करेंगे, प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चंस करेंगे। आज की क्लास में हम इतना टॉपिक पढ़ेंगे, थोड़ा सा एक और टॉपिक पढ़ना है, फिर अगली क्लास में जितने आज हमने टॉपिक्स पढ़े, ये छोटा सा टॉपिक यहां से यहां तक, इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए वो सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, सपोज कीजिएगा कि एक कंपनी है आपकी और उसका नाम है मोहित बंसल कंपनी, मोहित बंसल क्लासेस एक कंपनी है, और बच्चों वो टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज के अंदर आती है, और एक दूसरी कंपनी है जिसका नाम है एक्स वाई जेड कंपनी, और वो टॉप 1000 लिस्टेड में नहीं आती, लिस्टेड है लेकिन टॉप 1000 के अंदर नहीं आती, उससे नीचे चल जाती, तो इसमें भी एक विमेन डायरेक्टर होनी चाहिए कम से कम एक, इसमें भी कम से कम एक विमेन डायरेक्टर होनी चाहिए, पर इसके अंदर जो विमेन डायरेक्टर होगी ना वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगी, और इसमें जो होगी ना वो इंडिपेंडेंट नहीं होगी।
इसमें जो होगी वो इंडिपेंडेंट नहीं होगी। इतनी सी कहानी, सिंपल। उसके अलावा ये जो पॉइंट हमने पढ़ा था वो तो है ही अदर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज के। स्टूडेंट बोलता है सर जितना पढ़ा एक बार रिवाइज करूं मैं आराम से उसको। मैंने कहा करो। बोला सर देखिए मिनिमम डायरेक्टर्स पब्लिक में 3, प्राइवेट में 2, 1% में 1। सर मैक्सिमम डायरेक्टर एक वक्त पर 15, प्राइवेट और पब्लिक में 15 से ज्यादा हो सकते हैं। अगर जनरल मीटिंग में मेंबर्स स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके बोले 15 से ज्यादा कर। सेक्शन 8 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट कंपनी में तो किसी भी हालत में 15 से ज्यादा नहीं हो सकते। देन इसके बाद में हमने पढ़ा रेजिडेंट डायरेक्टर। रेजिडेंट डायरेक्टर का मतलब हर इंडियन कंपनी के अंदर प्रीवियस ईयर में कम से कम 182 डेज इंडिया में रहा। उसके बाद में हमने देखा विमेन डायरेक्टर। विमेन डायरेक्टर का मतलब है कि अगर पब्लिक लिस्टेड कंपनी है तो वुमेन डायरेक्टर होना कंपलसरी है, और अगर वो 1000 टॉप लिस्टेड में आती है तो वो जो वुमेन डायरेक्टर होनी जरूरी है वो इंडिपेंडेंट होगी। टॉप 1000 लिस्टेड में नहीं आती तो नॉर्मल वुमेन डायरेक्टर होगी, लेकिन होगी। और अगर कंपनी लिस्टेड ही नहीं है लेकिन उसकी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज्यादा है या टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज्यादा है, एक भी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो वुमेन डायरेक्टर होना जरूरी। तो स्टूडेंट बोला सर मैं समझ गया, लेकिन सर एक छोटा सा डाउट है। मैंने कहा बोलो क्या डाउट है। सर जो विमेन डायरेक्टर है, सोचो कोई कंपनी है और उसके अंदर विमेन डायरेक्टर है और आपने बोला होना जरूरी है तो है उसके अंदर, पर सर उसका ऑफिस अब वैकेंट हो गया, खाली हो गया, कैसे पता नहीं सर, किसी भी रीजन से हो गया, वो छोड़ गई, रिजाइन कर गई, उसको रिमूव कर दिया गया, डेथ हो गई, ल्यूनेसी, अनसाउंड माइंड, इंसॉल्वेंट, कोई भी रीजन हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है, किसी भी रीजन की वजह से अब वो विमेन डायरेक्टर नहीं है कंपनी के अंदर और ऑफिस वैकेंट हो चुका है। तो सर हमें वैकेंसी को फिल तो करना पड़ेगा। हाँ जी वैकेंसी तो फिल करनी पड़ेगी। सर कितने टाइम के अंदर विमेन डायरेक्टर की वैकेंसी फिल हो जाएगी, कितने टाइम के अंदर? जो कितने टाइम के अंदर फिल हो जाएगी वो मैं आपको बड़े ध्यान से समझना है, इसका एग्जांपल भी समझाऊंगा अभी। जो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग होगी उसके अंदर, उसके बाद नहीं, उसके पहले पहले या उस नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग के अंदर या फिर विद इन 3 months जब से वैकेंसी हुई है, विच एवर इज लेटर, जो भी बाद में आता है। सर एग्जाम्पल से समझाओ, एग्जाम्पल से समझो, प्यार से समझो। एक कंपनी है जिसका नाम है किंग्स 11 पंजाब, ये दिख रही है आप, ये एक लिस्टेड कंपनी है। तो लिस्टेड कंपनी के अंदर विमेन डायरेक्टर होना जरूरी है। ये प्रीति जिंटा जी इसके अंदर विमेन डायरेक्टर थी, काम बढ़िया चल रहा था, लेकिन इनका ऑफिस वैकेट हो गया 1 अगस्त 2022। कब हो गया? 1 अगस्त 2022। क्लियर। और ये किंग्स 11 पंजाब अपनी नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग कर रही है 15 नवंबर। तो अब देखिएगा बच्चों बड़े प्यार से जो मैं बोल, ऑफिस वैकेट हुआ 1 अगस्त 2022, यहां से 3 महीने, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 31 अक्टूबर या फिर जब नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग हो रही है 15 नवंबर, विच एवर इज लेटर, जो भी बाद में हो रहा है, तो 15 नवंबर यहां इस दिन तक ये वैकेंसी फिल हो जानी चाहिए जो प्रीति जिंटा के जाने की वजह से वैकेंट हुई है, वो वैकेंसी फिल हो जानी चाहिए। तो जिस दिन विमेन डायरेक्टर का ऑफिस वैकेट हुआ उसके जाने के, उनके जाने के 3 महीने के अंदर या फिर नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, जो भी नेक्स्ट, इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग जो हो रही है, जाने के बाद जो बोर्ड मीटिंग होगी, विच एवर इज लेटर, जो भी बाद में पड़ रहा है। सपोज कीजिए कि बोर्ड मीटिंग 15 नवंबर को ना होके 15 सितंबर को अगर होती तो विच एवर इज लेटर ये हो जाता, तो इस दिन तक वैकेंसी फिल हो जानी चाहिए, तक
इस दिन तक वैकेंसी फिल हो जानी चाहिए। क्लियर है ये चीज? स्टूडेंट बोलता है सर ये समझ में आ गया, आपने इसका पूरा एग्जाम्पल दिया है, मैं समझ गया। तो सर आज की क्लास में आपने मुझको पढ़ाया डायरेक्टर होता कौन है, उसके बाद में बताया कि डायरेक्टर क्यों का अपॉइंट किया जाता है, क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, सोच नहीं सकती, और डायरेक्टर को हम कंपनी का दिमाग मानते हैं। वो लोग बोर्ड मीटिंग करके कंपनी के डायरेक्शंस देते हैं कि कंपनी को कैसे काम करना चाहिए। उसके अलावा आपने बताया मिनिमम डायरेक्टर मैक्सिमम रेजिडेंट विमेन। सर यहां तक आज की क्लास में हम पढ़ चुके हैं, अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास हम लेंगे कल, उसके अंदर हम जितने आज हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उनसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं वो सॉल्व करेंगे, फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आगे मूव करेंगे। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा मेरे पढ़ाने का तरीका सिंपल है बच्चों, कि जो भी टॉपिक हम करते हैं हाथ की हाथ ऑन द स्पॉट प्रीवियस ईयर से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आए उस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में वो सभी सॉल्व करते हुए चलते हैं। आपने जितने भी मेट से पढ़े होंगे उसमें यही देखा होगा। अच्छा दूसरी बात बच्चों मैं आपको एक और बात बता दूं कि नोट्स अगर मेट से क्लासेस आपने परचेज की हुई हैं तो बच्चों आपके पास मेरी बुक ऑलरेडी पहुंच चुकी है। अगर ये मैंने क्लास किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपलोड करी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहां पर जाकर ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम फ्री में ज्वाइन कर लें और नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। बच्चों अगर आप क्लासेस परचेज करना चाहते हैं तो देखिए नीचे स्क्रीन पर ये नंबर दिया हुआ है आपको 9829767888, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, हमारी पूरी टीम है वो आपको अच्छे से रेस्पॉन्स देगी। हमारी क्लासेस बहुत ही ज्यादा नॉमिनल फीस पर प्रोवाइड करी जाती हैं, बहुत ही ज्यादा नॉमिनल फीस पर, मात्र 3500 रुपीज की फीस है हमारी। आपको दिसंबर 2022 तक क्लासेस मिलेंगी प्लस नोट्स मिलेंगे प्लस बच्चों हम हर वीक टेस्ट लेते हैं। जो भी स्टूडेंट हमसे क्लास परचेज करता है बाय डिफॉल्ट उसको टेस्ट देने पड़ते हैं और फ्री होता है, इसका कोई अलग से चार्ज नहीं होता, और उसको हम कॉपी चेक करके आपको प्रॉपर जूम क्लास पर एक्सप्लेन करते हैं कि आपने क्या गलती करी, आपको आंसर कैसे लिखना चाहिए। थ्योरी सब्जेक्ट में बच्चों का ये डाउट रहता है कि सर मुझे आंसर तो आता है पर लिखने का तरीका नहीं आता इसलिए मार्क्स कटते हैं, तो वो हम बताएंगे आपको। तो बच्चों सिर्फ 3500 रुपीज में अनलिमिटेड व्यूज रहेंगे दिसंबर 2022 तक, आप जितनी बार चाहें उतनी बार रिवाइज करें, हमारी क्लासेस मिलती हैं, नोट्स मिलते हैं, टेस्ट होते हैं। क्लियर है ये चीज बच्चों? और जो हमारे स्कैनर है वो हम हाथ किया टॉपिक वाइज सॉल्व करते हैं, तो अगर परचेज करना हो तो इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करें। चलिए थैंक यू स्टूडेंट।